मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो आज जा रहे हैं हम करोल बाग ब्रीजा में एलओ डलवाने और देखते हैं क्या क्या काम करवाना होगा। सो अभी नहा धो के निकल रहे हैं, वैसे ही लेट हो गए हैं, 2 बज गए हैं, तो मिलते हैं। ये रही हमारी अभी ब्रीजा बिना अलॉय के, देखिए कैसी लग रही है। मज़ा नहीं आ रहा बिना अलॉय के, तो मज़ा ही नहीं आता गाड़ी में। सो गाइस, हम पहुँच चुके हैं करोल बाग। ये हम आए हैं न्यू करंट टायर्स पे, काफ़ी छोटी सी दुकान है वैसे तो, पर रेट अच्छे थे। पुरानी ब्यूटी दिखी, BMW काफ़ी पुराना मॉडल था, पर लग गजब रही थी इतने पुराने होने के बावजूद भी। जैसे कि पीछे से मस्त लग रही है एकदम। ये इसकी साइड की है, मणिपुर का नंबर था, काफ़ी पुराना मॉडल था, 10 साल पुरानी मॉडल था कम से कम BMW का, पर अच्छा लग रहा था ये। और ये हमारे एलॉय आ चुके हैं, अभी हम लगा के देख रहे हैं कि कैसे लग रहा है। हम थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहे थे इसलिए हम नीचे जा रहे हैं अब और देखने। इनका नीचे था बेसमेंट में जहाँ पे एलॉय रखे हुए थे। और देखिए सारे गजब लग रहे हैं, बेहतरीन। इतने सारे में तो कन्फ्यूजन हो जाती है। मुझे एक ये वाला अच्छा लग रहा था और बाकी ये वाला तो हम देख रखे, फाइनल कर चुके हैं। इसके साइड वाला एक ये वाला, ये भी फाइनल सोच रहे थे करने की, इन दोनों में से एक ऑप्शन था हमारे पास। और तो एक गोल्ड वाला भी सही था। ये पूरी गाड़ी गोल्ड करवा लो और ये लगवा लो, पूरी सोने की कार हो जाएगी। सो गए, अपन अपने लगवाते हैं, लोग ऐसे भी लगवाते हैं अपने अपने, हर किसी का अलग अलग टेस्ट है। हमें एक ये वाला और एक इसके साइड वाला, ये दो फाइनल किए थे हमने। ये वाला मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि इसमें डायमंड सा लुक था और इसमें पेच नहीं दिखते इसके नट वाले, फिर इसमें साइज़ नहीं था डायमंड वाले में। और तो कोई पसंद इतने आए नहीं, था ही नहीं इतने, सब जगह एक ही चीज़ रखी हुई है पूरे करोल बाग में। इसमें साइज़ नहीं था, 18 इंची था इसमें, हमें 17 इंची लगवाना था, 18 थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाता तो इसलिए हमने ये छोड़ दिया। चलो तो हमें ये था, पर हमें ये चेंज कराना था बीच वाला। हम सोच रहे थे कुछ और इसका लोगो चेंज करवा लें, पर इसमें दोनों में सेम ही था। हम सोच रहे इन दोनों को हटा के कुछ और सा लगा लें, बट इन्होंने मना कर दिया कि और है नहीं। और इन दोनों में से कन्फ्यूज़न होती कि कौन सा लगवाए कौन सा नहीं, क्योंकि दोनों अच्छे लग रहे थे। तो अब कमेंट बताइए आपको कौन सा अच्छा लग रहा था। तो हमें तो ये एस वाला पसंद आया। तो ये कैसी लग रही है बिना अलॉय की? तो सही में यार गाड़ी गाड़ी नहीं लगती बिना अलॉय के तो, पर लोग चलाते हैं, बहुतों को शौक नहीं होता अलॉय का। इसमें 16 इंची आता है, हमने 17 लगवाया था। ये आगे का टायर निकाल दिया, इसमें पहले करेंगे वाइट स्प्रे। हमने पहले इसमें वाइट स्प्रे किया जिससे कि क्या कहते हैं बेस बन जाए और कोई सा भी ऊपर कलर कर सके। पहले वाइट ही करते समय, उसके बाद आप कोई सा भी कलर करा सकते हैं। फिर हमें एक फ्रॉक सीखी जिसने अलग डलवाए थे, 18 इंची के, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये हमारे स्प्रे कम्प्लीट हो गया था, तो हमने ऑरेंज कराने की सोच रहे थे हम, पर हमने फिर ऑरेंज नहीं कराया, हमने इस पर ब्लैक करा लिया। हमने इस पर फिर ब्लैक कराया हमने, ऑरेंज थोड़ा और सा लगता है इसलिए, पुराना हो गया इसलिए हमने ब्लैक ही कराया। तो ये देखिए कितनी नीची गाड़ी है, इसके सामने इतनी छोटी सी लग रही है। सोचो फॉर्च्यूनर के सामने कितनी छोटी लगेगी, बच्ची सी लगेगी। तो ये हमारे एलॉय लग चुके हैं, अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अभी तो इसमें और काम कराएंगे, अब हम चल दिए हैं, हमने एलॉय तो लगवा लिए हैं, हम जा रहे हैं कुछ और काम कराने क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एलॉय लगते। अब छत वत काली करवानी है हमें, वो भी करवा के आते हैं और आपको दिखाएंगे उस पर। उसके बाद ये देखिए एकदम कैसी लग रही है। ये था इसका एलॉय का लुक, प्यारा लग रहा है वैसे चलने में, और ज़्यादा प्यारा लगता था। अब हम इसमें हॉर्न लगवा रहे हैं क्रेटा वाला इसमें, क्योंकि TT वाला था, अच्छा हॉर्न था ये भी। क्रेटा का हॉर्न बेस्ट है इसलिए क्रेटा का ही हॉर्न लगवा रहे थे। बजा के दिखाते हैं आप इसको साउंड का, सही है क्रेटा की तरह ही। फिर हमने स्टीयरिंग देखा, हमने स्टीयरिंग भी चेंज कराना था तो ये हमने स्टीयरिंग टॉप मॉडल वाला लगवा लिया। गाड़ी मॉडिफाइड करता है ये, हाँ कालू मॉडिफिकेशन करता है तू, यहाँ ये इसी की मजे लेना आया तू। रात हो गई घूमते घूमते करोल बाग की सड़कों पे, हम अब जा रहे हैं उस खाने। तो हम आ गए बीकानेर, तो हमने ऑर्डर कर चुका है। ये हमारा रिमोट मिला है, जब इसमें ऑर्डर आ जाएगा तो वाइब्रेट करता है, लाइट चल रही है इसमें। मैंने मंगाया नूडल्स प्लस मंचूरियन और एक डीलक्स थाली। के बाद का व्लॉग मैं बना नहीं पाया क्योंकि हम रात को आए थे, वैसे 11:30 बज चुके थे। हम नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊंगा इन सब का, पूरी कार का दिखाऊंगा और उसमें डिटेल बताऊंगा क्या कौन सी चीज़ कितने की लगी है, तो मैं वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। तो इसी व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।